evaluate cos m x cos n x dx, where m n are positive integers, m is not equal to n. What happens if m is equal to n? ठीक है, तो आपको जो है इंटीग्रेशन ऑफ cos m x cos n x की वैल्यू निकालना dx ना, तो इसको क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को सब डिफरेंस में बदल देते, इसको दो से डिवाइड कर दीजिए और दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू 2 cos m x cos ऑफ n x. ठीक है, तो 1 बाय 2 cos a प्लस b m x प्लस n x, फिर प्लस cos a माइनस b m x माइनस n x. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 cos m प्लस n x हो जाएगा, फिर प्लस cos m माइनस n x हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो i को क्या हो जाएगा 1 बाय 2 इंटीग्रेशन cos m प्लस n x dx, फिर प्लस 1 बाय 2. ठीक है, 1 बाय 2 cos m माइनस n x dx है ना. अब इसको इंटीग्रेट करें तो कितना हो जाएगा, cos के साइन में बदल जाएगा, तो sin m प्लस n x अपॉन 2 m प्लस n, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा cos m माइनस n x अपॉन 2 m माइनस n प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा. ठीक है, कि i वैल्यू होगी, देखिए क्या देते हैं i को, अब से जो पहले पहले m इज नॉट इक्वल टू n है ना, और तब तो डिफाइन है, और a को m इज इक्वल टू n हो जाएगा, m इज इक्वल टू n है ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ये टर्म क्या हो जाएगा इनफाइनाइट ना, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, तो कैंसिल क्यों, क्या है कौन सा लगा है, x प्लस साइन टू एम एक्स अपॉन टू एम
सेकंड क्वार्टर में जेपीएम इसको दिया ना, अगर ये जेपीएम इसको दिया तो फिर आई इसको कितना हो जाएगा, आई इसको टू वन बाय टू साइन एम प्लस एन एक्स अपॉन एम प्लस एन, ठीक है ना, और इसमें वैल्यू जैसे हमारे पास जो है कॉस ऑफ एम एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स इसको कितना मिला, वन बाई टू कॉस एम प्लस एन एक्स मिला है और प्लस कॉस एम माइनस एन एक्स मिला है, ठीक है। अब उसकी कंडीशन क्लियर करते हैं, कंडीशन क्या, एक एम इसको दिया है तो cos of mx into cos of mx इसको क्या देगा, वन बाय टू cos of m प्लस m और m प्लस m x और प्लस cos of m माइनस m x क्या देगा, वन बाय टू cos of 2mx और प्लस cos of जीरो वन बाय टू कॉस ऑफ टू एम एक्स प्लस वन ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करिए तो कितना ये हो गया आपका कॉस कॉस स्क्वायर एम एक्स हो गया, तो कॉस स्क्वायर एम एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एम एक्स dx इसको हो जाएगा आपका वन बाय टू साइन ऑफ टू एम एक्स अपॉन टू एम प्लस एक्स, ये आंसर प्लस सी, देखिए दूसरा पार्ट का आंसर ये है।